पी 2022 में जीत की सबसे बड़ी दावेदार मानी जा रही गुजरात टाइटंस के कप्तान हार्दिक पंड्या आज अपने दसवे मुकाबले में पंजाब किंग्स के खिलाफ हर हाल में जीत हासिल करना चाहेंगे आपको बता दें कि एक के बाद एक गुजरात टाइटंस की शानदार जीत के बाद क्रिकेट विशेषज्ञ भी मान रहे हैं कि इस बार यानी आईपीएल 2022 में अपने डेब्यू सीजन में ही गुजरात टाइटंस की टीम चैंपियन बन सकती है मौजूदा सीजन में गुजरात टाइटंस ही एकमात्र ऐसी टीम है जिसे अभी तक खेले कुल नौ मैचों में मात्र एक मैच में ही हार का सामना करना पड़ा है खास तौर पर गुजरात टाइटंस के कप्तान और दिग्गज ऑलराउंडर बल्लेबाज हार्दिक पंड्या जिस तरह की कप्तानी कर रहे हैं उनकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है हार्दिक पंड्या की कप्तानी में एक के बाद एक गुजरात टाइटन्स की शानदार जीत के बाद क्रिकेट फैंस आईसीसी टी वर्ल्ड कप के लिए हार्दिक पंड्या को टीम इंडिया का कप्तान बनाने की मांग कर रहे हैं वैसे टीम इंडिया के मौजूदा कप्तान रोहित शर्मा का प्रदर्शन आईपीएल 2022 में कुछ खास नहीं रहा है मुंबई इंडियंस की तरफ से खेलते हुए रोहित शर्मा बल्लेबाजी के साथ साथ कप्तानी में भी बुरी तरह असफल रहे हैं रोहित शर्मा की कप्तानी में मुंबई इंडियंस को अब तक खेले कुल नौ मैचों में से आठ मैचों में हार का सामना करना पड़ा है रोहित शर्मा की खराब कप्तानी को देखते हुए उन्हें आईसीसी टी वर्ल्ड कप में कप्तान बनाना टीम इंडिया के लिए भारी पड़ सकता है। आज पंजाब किंग्स के खिलाफ होने वाले मुकाबले में खास तौर पर क्रिकेट फैंस की निगाहें टिकी रहेगी हार्दिक पंड्या के साथ साथ राहुल तेवतिया और शुभमन गिल जैसे दिग्गज बल्लेबाजों पर जी हां खुद पंजाब किंग्स के कप्तान मयंक अग्रवाल भी मान रहे हैं कि हार्दिक पंड्या शुभमन गिल और राहुल तेवतिया जैसे आक्रामक बल्लेबाजों से उनके गेंदबाजों को सावधान रहना होगा गुजरात टाइटन्स की टीम में हार्दिक पंड्या शुभमन गिल और राहुल तेवतिया ऐसे बल्लेबाज हैं जो मैदान पर टिक गए तो अकेले ही पंजाब किंग्स के गेंदबाजों की रेल बना देंगे